यहाँ सब मोहब्बत के मारे और मोहब्बत के हारे अपना दर्द सुनाने आए हैं। यहाँ सब मोहब्बत के मारे और मोहब्बत के हारे अपना दर्द सुनाने आए हैं। हम तो दोस्ती के दीवाने हैं, अपनी दोस्ती हार कर आए हैं। शुक्रिया। मेरी आज की जो कविता का शीर्षक है वो है, वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त है जो मुझ पर अपनी जान वार देता है। मेरी आज की कविता मैं डेडिकेट करूँगी मेरा बेस्ट फ्रेंड अमन। तो उसके लिए था, मैं स्टार्ट करती हूँ। वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त है जो मुझ पर अपनी जान वार देता है। वो मेरे गमों को भी बांट लेता है, वो मेरे गमों को भी बांट लेता है, मेरी सिसकियों से मेरी परेशानियाँ जान लेता है। वो मेरे गमों को भी बांट लेता है, मेरी सिसकियों से मेरी परेशानियाँ जान लेता है। लाख मुस्कुरा लूँ उसके सामने, लाख मुस्कुरा लूँ उसके सामने, वो फिर भी मेरी हंसी के पीछे का दर्द पहचान लेता है। वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त है जो मुझ पर अपनी जान वार देता है। शुक्रिया। लाख गम है उसकी ज़िंदगी में भी, लाख गम है उसकी ज़िंदगी में भी, फिर भी ठीक हूँ कहकर मेरे सामने मुस्कुरा देता है। लाख गम है उसकी ज़िंदगी में भी, फिर भी ठीक हूँ कहकर मेरे सामने मुस्कुरा देता है। अपने गमों को पढ़ा रख, वो मेरी खुशियों पर ध्यान देता है। वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त है जो मुझ पर अपनी जान वार देता है। शुक्रिया। जो ना सोऊं मैं अगर रातों में, अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी कोई टेंशन होती है तो मुझे नींद नहीं आती तो मैं उसको कॉल कर लेती हूँ। जो ना सोऊं मैं अगर रातों में, जो ना सोऊं मैं अगर रातों में, तो मेरे लिए वो अपनी नींद भी भुला देता है। जो ना सोऊं अगर मैं रातों में, तो मेरे लिए वो अपनी नींद भी भुला देता है। गुस्से में मैं खाना छोड़ दूँ, गुस्से में मैं खाना छोड़ दूँ, तो वो माँ की तरह अपनी कसम दे एक एक निवाला मुझे खिला देता है। वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त है जो मुझ पर अपनी जान वार देता है। शुक्रिया। वो अपने दिल का हाल किसी को सुना नहीं पाता है, वो अपने दिल का हाल किसी को सुना नहीं पाता है, लेकिन मुझे सब बता देता है। वो अपने दिल का हाल किसी को सुना नहीं पाता है, लेकिन मुझे सब बता देता है। यकीन मानो मैं गुस्से में अगर उसे गालियाँ भी दूँ, यकीन मानो मैं उससे गुस्से में अगर उसे गालियाँ भी दूँ, तो वो मेरी गालियों पर भी मुस्कुरा देता है। वो मेरा सबसे ख़ास दोस्त है जो मुझ पर अपनी जान वार देता है। और मैंने लास्ट कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो कि अभी ना, कई लोग हैं जो मेरी दोस्ती के ख़िलाफ़ हैं, उनका कहना है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। खुदा भी बहुत अजीब मोड़ पर मेरी दोस्ती ले आया है, खुदा भी बहुत अजीब मोड़ पर मेरी दोस्ती ले आया है, पता नहीं क्यों मेरा साथ और हाथ उससे छुड़वाया है। खुदा भी बहुत अजीब मोड़ पर मेरी दोस्ती ले आया है, पता नहीं क्यों मेरा साथ और हाथ उससे छुड़वाया है। कोई गलती है या गुनाह है, कोई गलती है या गुनाह है लड़का लड़की का दोस्त होना, बताइए ना आप सब, कोई गलती या गुनाह है क्या लड़का लड़की का दोस्त होना? फिर क्यों सभी ने हमारी दोस्ती को गलत बताया है, फिर क्यों सभी ने हमारी दोस्ती को गलत बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया।